हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी ओपन है प्लीज साइमन से अपना आंसर लिखते दीजिए बताइए इसका आंसर क्या होगा यस द करेक्ट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखो जो ये पहले टाइप के जो कंप्यूटर्स होते थे आज के टाइम पर आप डिस्क नाम नहीं सुनोगे खुद भी आपको पता है यू वॉन्ट लिसन और यू वॉन्ट हेयर द वर्ड डिस्क आज के टाइम पे ठीक है सो ओलियो कंप्यूटर्स उनमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था जैसे एम एस एस वगैरह हो गया ठीक है तो ये आप समझो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जो डिस्क ड्राइव से ही डिस्क ड्राइव से ही चलता था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी एक्चुअली एक पीपीटी है अगर मैं लाइव आपके सामने बैठी होती तो ऑफकोर्स मैं भी एक शॉर्टकट की प्रेस करती जिससे ये पीपी uh, टी का शॉर्टकट किसान आपको पता चल जाता है कि पीपीटी चल रही है वट आर द ऑप्शन ए एफ वन बी एफ फाइव सी एफ सेवन डी एफ थ्री हमारे कीबोर्ड जो रहता है वहां पे टॉप की लाइन में सारा एफ वन एफ टू रहता है अब बताइए कौन सी की है वो द करेक्ट इज एफ फाइव इजी है इसको बस आपने आप जब पीपीटी बना के रखोगे आप जब प्रेस करोगे वहां यू जस्ट हैव टू प्रेस एफ फाइव ट और आपकी पीपीटी चलनी शुरू हो जाएगी यू डोंट हैव टू प्रेस एंटर एंटर और मूव ऑन एस लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन माउस ट्रैक बॉल इलेक्ट्रॉनिक पेन एटसेट्रा आर विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस देखिए हम लोग ये यूज करते हैं बीटा लैपटॉप बीटा कंप्यूटर अब सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक बेल भी क्या रहती है ओके okay? एक्चुअली जो ये ट्रैक बॉल इलेक्ट्रॉनिक पेन मैं आपको बता दूं वो जो बिल्कुल पेंसिल या पेन टाइप रहता है एंड हम उसे आ, ऐसे जो लिखते हैं इनफैक्ट जो अभी मैं वीडियो पे ये सब लिख रही हूँ ये ये इट्स इज बिकॉज ऑफ दैट पेन ओल्डिंग नाउ अब वो किस टाइप के इनपुट है ए इनपुट डिवाइसेस। ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस बी की बोर्ड डिवाइस सी विजन बेस्ड डिवाइस डी स्कैनिंग बेस्ड डिवाइस इट इज ईजी बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है ध्यान से पढ़िए यस yes, ए पॉइंट एंड ड्रॉ पॉइंट जैसे आई पॉइंटेड समथिंग ये आप ये कर्सर देख रहे कैसे चल रहा है ये एंड ड्रॉ आई एम ड्रॉइंग समथिंग ओके सो ट्रैक बॉल क्या रहता था ये एक पुराने कंप्यूटर्स में रहता था ये ऊपर कुछ गोल सा रहता था रबर थिंग उसको भी आप ऐसे ऐसे घुमा सकते थे बहुत पुराने डिवाइसिस में सो so ऑफकोर्स शायद न्यू एज जनरेशन को इसका ज्यादा आइडिया ना हो नेक्स्ट वॉट इज एस एम पी टी अगेन आपको फुल फॉर्म ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बी सॉफ्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सी सेफर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डी सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब बताइए इसका आंसर क्या है द करेक्ट इज ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखो ये क्या रहता है सिंपल वर्ड्स में रखिए एक प्रोटोकॉल है ये और अ वे रादर वे रहता है एक टेक्निक रखती है जिससे जो जैसे सपोज आई एम सेंडिंग एन ई मेल तो सेंडिंग एंड रिसीविंग इसी प्रोटोकॉल के थ्रू चलेगा फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर जो स्टेप बाई स्टेप सर्वर का प्रोसेस चलता है वो ऐसे ही जाता है थ्रू सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट पॉपुलर की बोर्ड यूज टूडे इज इट इज ईजी आप बताइए क्या है ए एजर्टी बी यूजअल सी क्विटी डी क्विक ये जो हमारा कीबोर्ड रहता है टॉप के बटन्स आपको पता है वो सारा वहाँ पे F1, F2, F3 रहता है देन यू हैव योर नंबर्स मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ देन यू हैव योर नंबर्स ऑल्सो वहाँ पे फिर आपका यहाँ पे आता है Q W E R T Y वो जो आपके अल्फाबेट्स जहाँ से शुरू होते हैं दिस इज़ द फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन में आपके लेफ्ट साइड से ये लिखा होता है दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्यूवर एक्चुअली जब ये सारा बीबीएम जब ब्लैकबेरी मोबाइल्स जब आए थे मार्केट में काफी तो उसका तब स्टार्ट ही ऐसा किया था कुयर टी ठीक है उसका वहीं से ये सारा ये शुरू हुआ था एंड दैट इज वाइट बिकम फेमस ऑफ कोर्स कंप्यूटर में ये पहले से ही था नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट ई मेल एड्रेस हाँ जी बताइए कौन सा हो सकता है सबका ई मेल आई है इवन आप शायद कंप्यूटर पे यूज़ करें ना करें बट आज के टाइम पे जो हम ये सारा एंड्रॉयड या एप्पल ये सब यूज़ करते हैं वी नीड टू हैव एन ई एड्रेस हम सबके पास है तो आपको आइडिया पता है टेक्निक यू नो कैसा होता है ए एच टी टी पी स्लैश बुक्स डॉट कॉम स्लैश माई बुक बी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बुक्स डॉट कॉम सी माई बुक ट्वेल्व एट बुक्स डॉट कॉम डी बुक्स डॉट कॉम स्लैश माई बुक डैश इन्फो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है इट्स ईजी येस हमारा ई एड्रेस ऐसा होता है बाकी आपका जो ये आ गया ये वेबसाइट का नाम आ गया या ये कोई लिंक जो हम शेयर करते हैं तो द इजी वन वन इज द करेक्ट वन इज सी सम क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट सो उसको अच्छे से सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखिए नॉट नेसेसरी सबने कोडिंग की हो आई अंडरस्टैंड दैट नॉट दैट मैंने भी कोडिंग की बट हम लोग वो एक इमेज एक वीडियो कभी हम वो कोडिंग का देखते हैं एक ऐसे स्क्रीन रहता है ब्लैक स्क्रीन एंटर एंटर दबा के कुछ वहाँ पे डिजिट्स नंबर लिखे होते हैं यहाँ पे आप एंटर दबाते हैं इट गोज अप तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करता है वो क्या है वो ए ट्रांसलेटर बी लोडर सी लिंक डी डी बगर अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है द करेक्ट इज डी डी बगर जी ये क्या रहता है ये एक प्रोसेस रहता है जो लोकेट भी करेगा आपका और रिमूव भी करेगा क्या बग्स बग्स क्या यूजली रहते हैं एरर भी कहते हैं हम उनको बग्स एरर ठीक है ट्रांसलेटर तो नहीं होगा ट्रांसलेटर वुड मीन समथिंग लोडिंग लोडर वुड मीन दे आर ट्राइंग टू लोड समथिंग कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या एनीथिंग लाइक दैट लिंक इज समथिंग एल्स लिंक हो गया जो वी शेयर अ लिंक ऑफ अ वेबसाइट और समथिंग डी बगर एज ए नेम सजेस्ट डी डी बगर हो गया ये इस प्रोसेस को करता है एट्स क्वेश्चन डैश कंटेन्स अ फोटो सेल इन अ स्मॉल ट्यूब एंड इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ध्यान से पढ़िए कंटेन्स अ फोटो सेल ऑन अ स्मॉल ट्यूब यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन मैं आपके साथ एक हिंट दे रही हूँ जो मैं अभी यूज कर रही हूँ ये क्या हो सकता है ये 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 क्या हो सकता है वॉट आई एम यूजिंग इट आई एम नॉट यूजिंग माई हैंड और अ फिंगर ए माउस बी जॉयस्टिक सी टच स्क्रीन डी लाइट पेन बताइए इजी है यस इट इज लाइट पेन जो हम यूज करते हैं काफी बार टच स्क्रीन देर कैन बी सम डिवाइसेस कुछ लैपटॉप्स रहते हैं जो टच स्क्रीन रहता है दैट मीन्स वहां पे कीबोर्ड भी है आपका अलोंग विथ टच चलता है माउस तो आपका हो गया वो सीधे माउस रह गया बीट लैपटॉप या कंप्यूटर का जॉयस्टिक क्या रहता है uh, आई एम श्योर आप आप सब में से जिन लोगों ने गेमिंग की है या वो वीडियो गेम्स या जो रहते हैं ये जो पी एस थ्री फोर जो आप सबके आए हुए हैं वो जो कुछ वो एक मोटा सा एक ऐसे रहता है थिक सा एंड अ डिवाइस इसको पकड़ के यू मूव लेफ्ट एंड राइट समथिंग लाइक दैट एज यू नो माई ड्रॉइंग इज नॉट गुड तो दैट इज अ जॉइस्टिक ठीक है तो करेक्ट इज लाइट पेन लास्ट क्वेश्चन डैश इज अ स्टोरेज डिवाइस और अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप हमारी कल की वीडियो भी देखिए उसमें भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रिलेटेड सवाल था आप मुझे बताइए कितने टाइप के डिवाइस होते हैं नो प्राइमरी एंड सेकेंडरी आप प्राइमरी में क्या आता है सेकेंडरी में क्या आता है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है अब बताइए इसमें ऑप्शन में से क्या है ए रैम बी हार्ड ड्राइव सी ह्यूमन ब्रेन डी रॉम ऑफ कोर्स ह्यूमन ब्रेन को तो हम डाल नहीं सकते कंप्यूटर में क्योंकि हमारा ब्रेन ही अलग कंप्यूटर डिवाइस बन चुका है आजकल हाँ जी द करेक्ट आंसर इज बी हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आता है ऑप्टिकल डिस्क यू वगैरह फ्लैश ड्राइव्स एंड फ्लॉपी डिस्क भी आते हैं आपकी secondary storage device है. I hope ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो विल कम बैक विद मोर इसमें कुछ इंग्लिश क्वेश्चन भी है विल ट्राई टू डिस्कस दोज क्वेश्चन थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग आवर वीडियोज थैंक यू